आप सभी लोगों को मेरी ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैंने आज निर्णय लिया है कि पैनल पे आने के लिए एक एलिजिबिलिटी जरूरी है। हालांकि नरेंद्र सिंह जी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब शुरू में 10 की जगह 5 लोगों को जोड़ने का पता जो है वो मान लिया जाए। तो मुझे लगता है कि जिसने 5 से कम लोगों को जोड़ा है उसे बिल्कुल पैनल पे नहीं आने दिया जाए, तब तक वो दर्शक दीर्घा में सुने, और दर्शक दीर्घा में सुनेगा तो वो चीज को महसूस भी कर पाएगा और उसको बहुत सारी चीजें सुन के मालूम पड़ जाएंगी, अन्यथा वो हमारा समय खराब कर रहा है। और हमारा सोचना ये भी है कि वो यहाँ पर पैनल में आके पूछने की बजाय यदि वो 2-4-6 वीडियो सुन लेगा तो उसके सभी जो है ना चक्षु खुल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लंबी लंबी 2-2 घंटे की मीटिंग बिल्कुल ना करें, और यहाँ पे हम किसी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं है। हमें जो है अपने चंद्रगुप्तों की पर्सनालिटी चाहिए ही नहीं, और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि विद्वानों में चंद्रगुप्त मत खोजिए, मुझे चंद्रगुप्त खोजना है मजदूरों में, हमें चंद्रगुप्त खोजना है मैकेनिक में। और ये कंडीशन नहीं है कि वो विद्वान हो। विद्वानों के लिए हमने चाणक्य की फौज अपने पीछे इकट्ठी की हुई है, जिससे हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने हर चीज के लिए टेक्नोलॉजिकल मॉडल और कानून के मॉडल बना के रखे हैं। लिहाजा चंद्रगुप्तों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब वो चंद्रगुप्त बन जाएंगे तब उनके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराएंगे, IIM के प्रोफेसर आके उनको ट्रेनिंग देंगे, मैथिलीशरण गुप्त उनको ट्रेनिंग देंगे। कृपया अभी ये महत्वपूर्ण समय ट्रेनिंग के लिए खत्म मत करिए, भी डोंट यूज दिस फॉर एनी ट्रेनिंग, और ना ही किसी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है। देखिए हमारी मैना कंवर जी, उनको लगता है कि वो ठीक ढंग से नहीं बोल पाती हैं, वो काम देखो बहुत अच्छा कर रही हैं, वो हर दिन 4-5-6 लोगों को जोड़ रही हैं। अभी उन्होंने 100 से ज्यादा, क्या मेरे ख्याल से 150 से ज्यादा लोगों को जोड़ लिया है। तो आपको बोलना आता है नहीं आता है, यहाँ पे आपकी वाक्पटुता का कोई जो ना हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बहुत जोर से निवेदन करता हूं, और जो भी होस्ट है उसको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि कोई सीट रिक्वेस्ट कर रहा है तो पहले जाके देखिए कि उसके नंबर कितने हैं, या तो उसने 100 सदस्यों को जोड़ना होना चाहिए, या जो है उस दिन मिनिमम 5 लोगों को जोड़ना चाहिए। यदि 5 लोगों को नहीं जोड़ा है या इसके पहले वो 100 लोगों को नहीं जोड़ चुका है तो उसे बिल्कुल पैनल पे मौका ना दिया जाए। रही बात उसको अपनी बात कहने का, तो वो कमेंट बॉक्स पे अपनी बात लिखे और दूसरे लोगों को बात करते देखे। और हमें अपनी मीटिंग 1 घंटे में समाप्त करने का ध्येय बनाना चाहिए, क्योंकि हमें ग्राउंड पे काम करना है। मेरी बात से यदि कोई राय इत्तेफाक नहीं रख रहा है तो मैं उसको अपनी बात कहने का मौका देना चाहता हूं। पांडे जी, देखिए मैं पांडे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके जो क्वालिटी ऑफ लोग जो आप जोड़ते हैं और उनका जो स्प्रेड है वो विभिन्न स्टेट्स में है, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन कृपया इस प्लेटफॉर्म को किसी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कृपया यूज ना करें, ये मेरा सविनय निवेदन है। उससे तो बेटर होगा कि हम आधा घंटे में अपनी मीटिंग खत्म करें। मैं इस बात को पूरे उससे बोल रहा हूं, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अपने चंद्रगुप्त विद्वानों को मत खोजिए, ये ऐसे विद्वान हैं जो वोट डालने भी नहीं जाते हैं। अब देखिए हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी हैं हरीश जी, पिछले 10 दिन से, जबकि वो कर्नाटका में बेंगलोर में ही बैठते हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
उनके 100-150 जो है ना ग्रुप्स हैं, इतने समय में उन्होंने एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ा, आज भी वो जीरो कैंडिडेट जोड़ने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे विद्वानों से क्या फायदा है? मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, चंद्रगुप्तों को भिखारियों में खोजिए, वो गाना गा के लोगों को जोड़ सकेंगे। चंद्रगुप्तों को किन्नरों में दौड़िए, चंद्रगुप्तों को जो है ना टैक्सी ड्राइवर में ढूंढिए, ट्रक ड्राइवर्स में ढूंढिए, ठेले वालों में खोजिए। ये जो जिनको आप विद्वान मान रहे हैं वो तो इतने खुदगर्ज विद्वान हैं कि वर्तमान व्यवस्था में भी वो काफी लाभ कमा रहे हैं और वो डरे हुए भी हैं। उन्हें लगता है कहीं हम सामने आ गए तो उनके ऊपर कोई छापा ना पड़ जाए। तो इन डरे हुए विद्वानों को रहने दीजिए, हमें हम इनका स्वागत करते हैं। जो बाकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और जो पर्दे के सामने आना चाहते वो पर्दे के सामने आ जाए, जो पर्दे के पीछे आना चाहता वो पर्दे के पीछे आ जाए। अब हमें यदि वो 10 लोग नहीं जोड़ रहा है कर्नाटका में तो हमारा हम तो फेल कर जाएंगे, हम 200% फेल कर जाएंगे। तो गलती जो है सामने वाले की है और फेल मैथिली शरण गुप्त होंगे। तो भाई साहब मैं जो है ना इनको समय क्यों कराऊं? मैं तो ये कह रहा हूं इससे तो अच्छा है कि लोगों को एम्प्लॉय करके उनको मजदूरी देके जो है ना अपने पोस्टर लगवाएं और जो है ना मैथिली खुद जाके जो है ना माइक लेके जो है ना बोलना चालू कर दें। ये बताइए जिसकी जो है आज जो है उसके पैर में बवाई फटी हुई है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फ्री भी बांटकर दारू बांट के उसे मानव शरीर में और लोगों को जो है कीड़ा मकूड़ा के जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये राजनेता, और 75 वर्ष के बाद भी इन्होंने अंग्रेजों के नियम कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हुए हैं, ये बहुत ही लज्जा की बात है। आज ही मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो देख रहा था, शायद 2 दिन पहले अपलोड हुआ है, जिसमें वो भाजपा के भवन का जो है ना उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं ये भवन का विस्तार नहीं है, यह कार्यकर्ताओं का विस्तार है। ऐसे कार्यकर्ताओं का विस्तार है जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इनके पदाधिकारियों के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अत्याचार कर रहा है। तो मैं किसी से चर्चा कर रहा था तो उसने कहा कि साहब ये अत्याचार भी जानबूझ के कराते हैं, यदि जब अत्याचार कराएंगे तभी तो इनके दरबार में लोग आएंगे, तो ये दरबारी लोग हैं, छोड़ो इनको। मैं आज जो है ना नरेंद्र जी को बहुत जोर से इस बात को समझाया था कि 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है, और 100 करोड़ में से 90 करोड़ मीन्स 90%, इसका मतलब है 90% लोग मात्र जुड़ जाएं, एक भी व्यक्ति को ना जोड़ें तो भी हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। और यदि हम 8वें दिन और 9वें दिन का जोड़ लें तो 99 करोड़ लोग होते हैं, और चूंकि ये 2 दिन की जोड़ है इसका मतलब है कि यदि एक व्यक्ति को जोड़ लेंगे तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा, केवल एक व्यक्ति को। लेकिन इन व्यक्तियों को पहुंचने के लिए शुरू के लोगों को 10-10 लोगों को जोड़ना जरूरी है, लिहाजा ऐसे व्यक्ति से बात बिल्कुल ना की जाए जिसने एडवर्टाइजमेंट देख के नंबर कमा लिए हैं और हमने कहा कि जिसको पैनल से बाहर करना है इसलिए हमने उसको नेशनल ऑफिसर बना के उसको मॉडरेटर भी बना दिया है, लेकिन मैं उसे उसकी कई बार मैंने भर्त्सना भी की है और हम उसको बिल्कुल जो है ना पैनल पे इन्वाइट नहीं करेंगे और वी मस्ट जो है ना बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। जैसे जय गुरुदेव जी ने कहा था कि बच्चों तुम नहीं मानोगे तो मैं भूत प्रेतों से पेड़ों से काम करा लूंगा, मैं कह रहा हूं ये बच्चों यदि तुम नहीं मानोगे तो मैं भिखारी से काम करा लूंगा। इसी के साथ ही जो है साथियों मैं आपसे मैं अपनी सीट को लीव कर रहा हूं और आप मीटिंग को कंटिन्यू करिए।